आप मैडम अरुण प्रभु देसाई ट्रैकिंग टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एसडी कार्ड्स के बारे में। जी हां, सब कुछ बताऊंगा कि भाई ये एसडी कार्ड्स आपने कैसे खरीदने चाहिए, कौन से खरीदने चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए, आप कैसे समझेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या सस्ते लेने चाहिए क्या महंगे लेने चाहिए, ये सब जो भी डाउट्स है एसडी कार्ड माइक्रो एसडी कार्ड्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस मिलने के लिए और ट्रैक इन टेक फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो के हमारे फीचर कमेंटर है राकेश कुमार। दोस्तों, कितने लोगों को मालूम है कि एसडी कार्ड या फिर माइक्रो एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? एसडी यानी सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल कार्ड्स, माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड्स। जी हाँ, लेकिन आजकल जो कार्ड्स आते हैं वो होते हैं एसडी कार्ड, एसडीएचसी, एसडीएक्ससी। इसका मतलब क्या? एसडीएचसी यानी सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी एंड एसडीएक्ससी यानी सिक्योर डिजिटल एक्स्ट्रा कैपेसिटी। क्यों कहा जाता है? एसडी कार्ड सिर्फ 2 GB तक सपोर्ट करते हैं, एसडीएचसी जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं 2 GB से लेके 32 GB तक, और एसडीएक्ससी जो होते हैं 32 GB से लेके 2 TB तक। तो उसकी वजह से ये अलग अलग कार्ड्स होते हैं। तो जो भी कार्ड आप इस्तेमाल करते हो जो 2 GB से ज्यादा है वो बेसिकली एसडीएचसी या एसडीएक्ससी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट एक एसडी कार्ड में होता है उसका स्पीड। और जब आप खरीदते हो कोई भी कार्ड तो इधर लिखा हुआ रहता है क्या स्पीड है। कभी आपने देखा है सी के अंदर एक लेटर होता है C4, C6, C8, C10। इसका मतलब क्या? बेसिकली ये स्पीड क्लास 4 है, स्पीड क्लास 6 है। और 4 क्या डिनोट करता है? 4 यानी राइट स्पीड, 4 Mbps, 6 यानी 6 Mbps, 8 यानी 8 Mbps और 10 यानी 10 Mbps। ये स्पीड होते हैं। लेकिन आजकल सी के साथ यू भी आ गया है। तो पहले इस जमाने के पहले मतलब 2015 से पहले दोस्तों सिर्फ सी हुआ करता था नॉर्मल डिवाइसेस के लिए, लेकिन अब आ गया है यू। इसका मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास। जी हाँ, यू डिनोट्स फॉर अल्ट्रा हाई स्पीड। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब मैं राइट स्पीड्स के बारे में बात कर रहा हूं C4 यानी 4 Mbps, इसका मतलब मिनिमम गारंटीड स्पीड। वो जो कार्ड होता है वो ज्यादा फास्ट भी हो सकता है, इसीलिए जब एडवर्टाइज करते हैं तो कहते हैं अप टू 100 Mbps। मतलब वो कार्ड C10 होगा, मिनिमम गारंटीड स्पीड 10 Mbps का होगा, लेकिन वो स्पीड ज्यादा 40-50 Mbps भी दे सकेगा। दैट इज अप टू द मैन्युफैक्चरर। तो बढ़ते हैं U1 की तरफ। अब U1 जब होता है इसका मतलब 1 इज 10 Mbps राइट स्पीड, U2 20 Mbps राइट स्पीड, U3 30 Mbps राइट स्पीड। तो जनरली जो आजकल अभी तक अवेलेबल है फास्टेस्ट वो होते हैं U3, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल यूज में जो होते हैं वो U3 होते हैं, और मिनिमम उनकी गारंटी होती है 30 Mbps, लेकिन ये देते हैं 100 Mbps तक राइट स्पीड वगैरह, या फिर उससे ज़्यादा वाले भी हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स को ये डालना पड़ता है क्योंकि एसडी कार्ड एसोसिएशन ने ये एक स्पेसिफिकेशंस बनाए हुए हैं जो हर एसडी कार्ड या फिर माइक्रो एसडी कार्ड जो होते हैं उनके ऊपर उन्हें डालने पड़ते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब सी होता है और यू नहीं होता है इसका मतलब सिर्फ कन्वेंशनल डिवाइसेस को वो सपोर्ट करेगा, हाई स्पीड डिवाइस को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर यू है तो इसका मतलब ये जो एसडी कार्ड है वो अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरफेस के साथ आता है। इसका मतलब जिस भी डिवाइस को फास्ट अल्ट्रा फास्ट एसडी कार्ड लगता है उसे ही सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, आपने कौन सा एसडी कार्ड खरीदना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, अगर C4, C6 वगैरह हो तो वो सस्ते होते हैं उतने ही कैपेसिटी के। इसका मतलब C4 वाला आप लीजिए, उसका 16 GB वाला वर्जन आपको ₹300 में मिलेगा। लेकिन अगर वही U3 वाला होगा तो उसका जो कॉस्ट होगा वो शायद 2000 वगैरह होगा। तो सेम कैपेसिटी होती है लेकिन स्पीड अलग होने की वजह से उनकी जो प्राइस है उसमें डिफरेंस होता है। जितना ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा प्राइस। दोस्तों, अगर आपके पास C4 का कार्ड है इसका मतलब आप उसका, ये स्लो कार्ड है, 4 Mbps की स्पीड से राइड करता है। इसका मतलब आप लो, बहुत ही लो रेजोल्यूशन फोटोज, स्टिल फोटोज निकाल सकते हैं और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फुल HD वीडियो शूट करने हैं आपके स्मार्टफोन के ऊपर से या फिर कैमरा के ऊपर से तो आपको C10 लगेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये C10 है, U नहीं है, इसका मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड नहीं है, C है
तो कन्वेंशनल डिवाइसेस को ही सपोर्ट करेगा। दोस्तों अगर आपको सिनेमा क्वालिटी फुल एचडी वीडियो शूट करने या फिर 3D वीडियो शूट करने हैं, जैसे मीजिया स्फीयर किट हमारे पास है, तो उसमें मिनिमम U1 लगता है, U1 अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरफेस लगता है, फिर ही चलेंगे। ऐसे नहीं है कि आप अगर स्लो एसडी कार्ड डाल दो अल्ट्रा हाई स्पीड में तो भी चलेंगे, लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा और ठीक तरह से वो राइट नहीं होंगे, कुछ फ्रेम स्किप हो जाएंगे या फिर स्टटरिंग आएगा आपके वीडियो में। तो ये बात याद रखिए कि प्रॉपरली अगर आपको शूट करना है तो आपको प्रॉपर कार्ड इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों अगर आपको 4K वीडियो शूट करना है तो आपको सबसे फास्टेस्ट कार्ड यानी U3 30 Mbps वाला कार्ड लगेगा। आपको अगर बर्स्ट फोटोग्राफी करनी है, एक्शन बर्स्ट फोटोग्राफी, इसका मतलब आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस शॉर्ट टाइम में बहुत सारे लेने हैं, जैसे कार जा रही है और आपको कम से कम 25-30 फोटो एक सेकंड में निकालने हैं, तो फिर आपको ऐसे कार्ड्स लगेंगे। दोस्तों शॉर्ट वीडियो था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई एसडी कार्ड में आपने क्या क्या देखना चाहिए। C4, C6 जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं हर चीज़ में। हाई स्पीड वीडियो, हाई स्पीड फोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे या फिर फुल एचडी वीडियोज आप नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए प्रॉपर कार्ड ही आपको खरीदना होगा। चलिए दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल है एसडी कार्ड्स के बारे में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। #askarun डालना मत भूलिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो नॉलेज है सब में बढ़ जाए, सबको मिल जाए। जी हाँ, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।